सीएसएम पढ़ेंगे, बीएससी नेट के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है। सम्मिश्र संख्या का रूप होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं में से एक्स और वाई है। और यहाँ वास्तविक वास्तविक भाग मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? एक्स। काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाई, इसको काट दिए तो हमें इसको काट दे सकते हैं। ये क्या है? कार्तीय तल, इसे को बोलते हैं आर्गन तल, और इसे को बोलते हैं सम्मिश्र तल। हर सम्मिश्र संख्या के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है एक्स प्लस आइटा वाई, इसके पॉइंट होता है करस्पॉन्डिंग एक, ये रियल नंबर एक्स और ये वाई इमेजिनरी नंबर। जो ये एक्स एक्स की लाइन है वो तो शो करती है रियल लाइन, तो वास्तविक रेखा, और जो वाई एक्स की लाइन है वो किसको करती है? इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा। यहाँ x और y, मान लिए x और y यहाँ है, क्योंकि x किसके आएगा? x आएगा x x पे, y किस पे आएगा? y x पे। तो x इससे दूरी मान ली x और इससे दूरी है। आगे देखते हैं सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या का संयुग्म, सम्मिश्र संख्या का संयुग्म लेने के लिए जेड के ऊपर बार लगाते हैं जेड, जहाँ आयोटा है वहाँ माइनस लगा देते हैं एक्स माइनस आयोटा वही। ये क्या है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्म। अब देखेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या के मापांक मतलब मोड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मोड ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मतलब सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है x, तो x स्क्वायर, और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो y स्क्वायर। अब हम करेंगे सम्मिश्र संख्या का द्विध्रुव। सम्मिश्र संख्या का द्विध्रुव, जब भी क्वेश्चन में द्विध्रुव आए तो x और y नहीं रखना है, वहाँ x और y को रिप्लेस करना है r और थीटा से, तो क्या कहलाएगा? द्विध्रुवीय रूप। मतलब x और y जहाँ भी दिखाई दे उसको रिप्लेस कर दो r और थीटा से। तो देखते हैं सम्मिश्र संख्या का द्विध्रुवीय रूप। मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, द्विध्रुवीय रूप मतलब यहाँ x और y आ रहे हैं तो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? दोनों को r और थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा दोनों को। चलिए करते हैं इसको रिप्लेस। आते तल में पॉइंट देखते हैं, पहले इसकी पॉइंट x और y, ये दूरी x ये दूरी y, मान लिया कोई बीच की डिस्टेंस, ये क्या है? r इक्वल टू मोड ऑफ z, ये क्या है? y, ये कोण 90 डिग्री है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर इक्वल टू
z, मोड ऑफ z, यहाँ x की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है, x की जगह तो यहाँ sin theta, sin theta equal to sin theta क्या होता है l l के केस में लंब कोण, करण लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा, लंब कोण, करण करण क्या है, करण r, x equal to r sin theta, यहाँ cos theta लगाएंगे तो cos theta equal to आधार अपॉन करण, बेस क्या है, थीटा से जुड़ी हुई भुजा, करण के अलावा तो वो क्या है y अपॉन करण, करण क्या है r, तो y equal to r cos theta, इसकी वैल्यू x r sin theta और y r cos theta, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, क्योंकि r और x और y को रिप्लेस करना है r और theta में, क्यों, क्योंकि ध्रुवीय रूप बना रहे हैं, तो z equal to x की जगह r sin theta plus iota r cos theta, z equal to r common बचा क्या sin theta plus iota cos theta, z equal to r, ये क्या है sin theta plus iota cos theta, e की पावर iota theta, अतः r e की पावर iota theta, अतः z equal to r की पावर iota theta, ये क्या है ध्रुवीय रूप समीकरण, क्या का ध्रुवीय रूप, जब z equal to x plus iota y हो तो ध्रुवीय रूप होगा इसका z equal to r e की पावर iota theta, अब देख रहे हैं पहले की चीज पढ़ी हुई है, ये नहीं पढ़ा ध्रुवीय रूप, अब हम देखेंगे इसको ताले में, अब हम पढ़ेंगे लिमिट, लिमिट देखते हैं, लिमिट सीमा, सीमा पहले की पढ़ी हुई सीमा, लेकिन पहले क्या पढ़ा, आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो x लिमिट जीरो, ये जीरो है तो जीरो की तरफ जाने के कितने रास्ते, या तो ये, या तो इधर से आ जाओ और या फिर इधर से आ जाओ, क्योंकि आज तक यही पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, या तो प्लस की साइड से जाओ या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, या फिर साइड से आ जाओ, तो अब करना क्या है, यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ पूरा क्या है अपने पास सम्मिश्र संख्याओं के लिए पढ़ेंगे लिमिट, z equal to x plus iota y, अतः ये पूरा प्लेन आएगा, तो जीरो की तरफ जाने के कितने रास्ते हैं, यहाँ जीरो की तरफ जाने के अनंत रास्ते हैं, क्योंकि इस साइड से भी आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे भी आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, इससे आ जाओ, सीमा का मान क्या होगा, वह द्वितीय रूप से विद्यमान होगा, मतलब इस रास्ते से जाऊँ जीरो की तरफ तो भी वही रास्ता है, वही मान आएगा, और इस रास्ते से जाऊँ तो भी वही मान आएगा, अब देखेंगे अवकलनीयता, अवकलनीयता, अवकलनीयता z equal to x plus iota y, आज तक क्या पढ़ा अवकलनीयता की परिभाषा की y बराबर x है भाई, तो कोई फॉर्मूला पढ़ा एफ डेस ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और एफ डेस एक फॉर्मूला और पढ़ा एफ डेस ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स एफ ए एफ ए अपॉन एच, पहले ये पढ़ा है, अब सम्मिश्र संख्या में क्या पढ़ना है, यही फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, यहाँ डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड और एफ डेस ए नहीं एफ जेड नोट पर याद करेंगे, यहाँ क्या था एफ के था और यहाँ क्या है जेड नोट, क्या लगाएंगे लिमिट जेड इक्वल टू जेड नोट, यहाँ वेरिएबल क्या था एक्स, एक्स से जा रहे थे ए पे और यहाँ क्या करेंगे जेड से जाएंगे
जेड नोट पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको फंक्शन बनाओ, एफ लगाओ, एफ ऑफ जेड माइनस करो, इसको फंक्शन लगाओ, एफ ऑफ जेड नोट अपॉन इसको और इसको माइनस कर दो, जेड माइनस जेड नोट। पहले दोनों को फंक्शन लगा के माइनस, फिर दोनों को बिना फंक्शन के माइनस। दूसरा फॉर्मूला एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। तो एफ अब क्या करना है, अब जीरो आ रहा है यहाँ, तो इसको और इसको जोड़ो, जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस, पहले वाला ही माइनस में क्या आता था, ये एफ ऑफ जेड नोट ऑन डेल जेड माइनस जीरो मतलब डेल जेड। तो ये अवकलनीयता की परिभाषा है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला उतार लो। अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल बुक का सिद्ध कीजिए कि लिमिट जे टेंस टू जीरो जेड बार अपॉन जेड विद्यमान that limit z tends to 0 z bar z does not exist. तो सॉल्यूशन देखते हैं, सीमा कब विद्यमान रहेगी, कि अलग अलग रास्तों से जाऊं तो सीमा का मान अगर अलग अलग प्राप्त हो तो सीमा विद्यमान नहीं है, और अगर सेम मान प्राप्त हो दो रास्तों से तो सीमा का मान विद्यमान है। सॉल्यूशन देखते हैं, मान लेते हैं z equal to x plus iota y, तो जेड बार भी चाहिए, तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। तो रखते हैं इसमें, इसको मान लेते हैं एल लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार की जगह, जेड बार की जगह एक्स माइनस आइटा वाई, एक्स माइनस आइटा वाई अपन जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई। तो एल इक्वल टू लिमिट, यहाँ दोनों वेरिएबल x और y में चल रहे हैं, तो z को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि z भी किसका फलन है, x और y का। तो x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो। अब क्या देखते हैं, अब केस बनेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, जीरो की तरफ जाने। तो जीरो की तरफ जाने के सिंपल रास्ते मान जी, एक तो ये यहाँ से हम और ये दो पे देख लेते, अगर मान इक्वल नहीं आया तो यही बोल देंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। अब आगे केस फर्स्ट, अगर एक्स एक्स से आए, यदि एक्स एक्स से आए तब जेड टेंस टू जीरो हो, तो एक्स एक्स का मतलब वाई बराबर जीरो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू भी जीरो, तो यहाँ क्या बचा, एक्स ये कट गया जीरो, ये भी कट गया जीरो, एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि लिमिट वाई की नहीं आएगी, क्योंकि वाई है ही नहीं। तो एल इक्वल टू वन, इस रास्ते से जीरो पे आए तो मान कितना आया, वन। अब दूसरे रास्ते से आएंगे वाई एक्स से, तो देखते हैं मान कितना आता है। Thank you.
सेकंड दूसरे रास्ते से, दूसरा रास्ता क्या है, फाइव एक्स से आ रहे हैं जेड टेंस टू जीरो लेके एक्स बराबर जीरो है, एक्स बराबर जीरो है तो लिमिट में एक्स का मान नहीं आएगा, वाई टेंस टू जीरो तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो, मतलब जीरो माइनस आईटा वाई अपॉन एक्स माइन प्लस एक्स की जगह जीरो प्लस आईटा वाई तो क्या है लिमिट का मान माइनस वन। केस फर्स्ट में क्या आया था लिमिट का मान, केस फर्स्ट में लिमिट का मान आया था वन, और इससे क्या है केस सेकंड में लिमिट का मान आया है माइनस वन। हमने दो रास्ते चुने, इससे मान आया वन, इससे मान आया माइनस वन, कहते सीमा विद्यमान नहीं है क्योंकि इस रास्ते से जाऊँ तो भी वही मान आना चाहिए और इस रास्ते से जाऊँ तो भी वही मान आना चाहिए, तो यहाँ मान को नहीं आ रही कहते ये सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।